दुनिया का सबसे बड़ा भाप आधारित यात्री जहाज आखिर 4 दिन के बाद ही क्यों डूब गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ इसे जाना जाए। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज़्यादा हो चुका है। ने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई। टक्कर के बाद सीप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान बच गई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।